सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बेटियों को अपने पति के माता पिता के साथ उनके साझा संपत्ति में रहने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि 2006 तरुण बत्रा मामले में 2 जज की बेंच ने यह फैसला दिया कि बेटी अपने पति के माता पिता या उनकी संपत्ति में नहीं रह सकती और बाकी संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं है। जबकि इस बार के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण ने चंद सवालों के जवाब देकर बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट में ये भी कहा गया कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। पहले 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक पत्नी के पास केवल अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता है। तरुण बत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधि गुप्ता ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि अगर बहु संयुक्त परिवार की संपत्ति है तो मामले की समग्रता को देखने की जरूरत है, साथ ही उसे घर में निवास करने का अधिकार है। वहीं ये बात भी गौर करने वाली है कि ये फैसला तब आया है जब महिलाओं के खिलाफ अपराध सामने आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ प्रशासन में ढील घूस देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं ये भी कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है, फिर चाहे वो शाहबनो का मामला हो या फिर आज का मामला हो। देखना ये होगा कि ग्राउंड लेवल पर लोग इस नियम का कितना पालन करते हैं, क्योंकि होता ऐसा है सुप्रीम कोर्ट नियम निकाल देता है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC News।